हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मेरे तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि 11th क्लास में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान जो विषय है, उसमें कितने अध्याय यानी यूनिट्स और कौन कौन से यूनिट्स के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, यानी कि हम लोग जानेंगे सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तत्पश्चात यानी इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फाइनल एग्जामिनेशन में जो है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और वह क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का क्लास 11 में। तो सिलेबस में जितने भी यूनिट्स हैं और उसका नाम है, एक टेबल के रूप में जो है सो यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आप लोग को सुविधा हो समझने में। पहला यूनिट जो हम लोग को पढ़ना रहता है वह है आपका सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो आप लोग 9वां और 10वां कक्षा में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद जो दूसरा यूनिट हम लोग को पढ़ना रहता है वह है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु के संरचना के बारे में, और इसमें यह भी जानेंगे कि परमाणु का आविष्कार किसने और किस तरह से किया था, और फिर परमाणु के गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तीसरा जो है यूनिट वह है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, की पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया और तत्वों को किन गुणों के आधार पर जो है सुवर्गीकृत किया गया, इसके बारे में जानेंगे यूनिट 3 में। और यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी मोलिक्यूल के बीच में किस तरह का आबंध है, किस तरह का बॉन्ड है और उसका संरचना क्या है, वह किस तरह से आबंध बनाता है, किस तरह से उसका संरचना को लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी तरह से जो 5वां हम लोग का यूनिट है वह है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्था। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे पदार्थों की अवस्था, एक चैप्टर था आप लोग का जिसमें तीन अवस्था के बारे में जिक्र किया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें से हम लोग क्लास 11 में जो पढ़ना है तीनों अवस्था में गैसेस एंड लिक्विड स्टेट के बारे में, गैसेस और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, और सॉलिड अवस्था के बारे में क्लास 12 में पढ़ना है। उसी तरह से जो यूनिट 6 है वह है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कैसे होता है, उनके पीछे क्या नियम है, क्या रीजन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ समीकरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसी तरह से जो 7वां यूनिट हम लोग का वह है इक्विलिब्रियम, इसका हिंदी मीनिंग होता है संतुलित। इसमें हम लोग जो है सो पढ़ेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसका संतुलन करने के लिए सीखेंगे, और फिर यह भी जानेंगे कुछ नियम्स के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। उसके बाद है 8वां यूनिट जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग। उसके बाद जो 9वां यूनिट है उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहले तो एक तत्व है, हाइड्रोजन का एक खास गुण है कि उसको जो है सो पीरियोडिक टेबल में अपना निश्चित स्थान प्राप्त नहीं है। तो वह क्या रीज़न है कि हाइड्रोजन का अपना निश्चित स्थान नहीं प्राप्त है आवर्त सारणी में, तो उसके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे 9वां यूनिट में। उसके बाद जो 10वां यूनिट है हम लोग का वह है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आवर्त सारणी में जो है सो अगर देखोगे आवर्त सारणी में तो उसको जो है सो चार भागों में बांटा गया है, नाम है चारों का, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 10वां में हम लोग को पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और 11वां में पी ब्लॉक का कुछ एलिमेंट्स को पढ़ना है। इसको हम लोग जो है सो आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि एस ब्लॉक को कहाँ रखा गया है, पी ब्लॉक को कहाँ रखा गया, डी ब्लॉक को कहाँ रखा गया और एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल से। इसमें जो है
प्रत्येक वर्टिकल लाइन को ग्रुप्स कहा जाता है और प्रत्येक हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा जाता है। तो अगर वर्टिकल लाइन को काउंट करोगे टोटल, टोटल 18 होगा। काउंट करके एक बार देख लेते हैं कि क्या 18th वर्टिकल लाइंस है या नहीं। अब वर्टिकल लाइंस का क्या नाम बताएं, ग्रुप्स, यानी कि अगर वर्टिकल लाइन 18 है तो ग्रुप्स का संख्या कितना है, 18 है। काउंट करते हैं, यह हो गया फर्स्ट ग्रुप, या सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन। 18 ग्रुप्स हैं। और यही अगर आप हॉरिजेंटल लाइन को काउंट करोगे तो पाओगे कि टोटल 7 है। और हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग कहते हैं पीरियड्स, किसमें, आवर्त सारणी में हॉरिजेंटल लाइन को पीरियड्स कहते हैं। इसका मतलब कि पीरियड्स का संख्या कितना हम लोग को पता चल सकता है। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल कितने पीरियड्स हैं आवर्त सारणी में, तो 7। 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं एक आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। अब किसी किसी के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ भी तो दो पीरियड्स काउंट कर सकते थे, यहाँ भी ग्रुप्स को काउंट कर सकते थे। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते समझते हैं कि अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो लिखा है 57 to 71। इसका मतलब हुआ कि 57 से लेकर 71 के एलिमेंट्स वहीं पर है, जो कि नीचे लिख के दिखाया गया है कि 57 से लेकर 71 तक कौन कौन से तत्व हैं, यानी उसी के अंदर वहाँ पर है लेकिन बाहर दिखाया गया कि क्या क्या है उसमें। उसी तरह से अगर उसके नीचे देखोगे 89 से लेकर 103, 89 से लेकर 103 तक का तत्व तो सभी यहीं पर हैं, लेकिन उसको दिखाने के लिए जो है पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखा गया है कि कौन कौन से तत्व हैं 89 से लेकर आपका 103 तक, इसलिए नीचे लिखा गया। तो यह दोनों अलग नहीं है, वह पीरियोडिक टेबल के वहीं पर अंदर में है, है ना। तो इसको इस तरह से समझना है, ये नहीं समझना है कि नीचे जो दो दो लाइन में लिखा गया है वह अलग हैं, दो अलग पीरियड है या तो ग्रुप्स अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है। तो टोटल कितने ग्रुप्स थे, 18। टोटल कितने पीरियड्स थे, 7। अब इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है इसको रखा गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, और थर्ड ग्रुप से लेकर आपका 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को रखा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जबकि 13 से लेकर आपका 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पर जो 57 से लेकर 71 और 89 से लेकर 103 तक है एलिमेंट्स, इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल को चार भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो कुछ इस तरह से वर्गीकृत किया गया है पीरियोडिक टेबल को चार। इसके बाद हम लोग को देखना है जो है 12वां यूनिट, और 12वां यूनिट का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है 11th क्लास में, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, कुछ सिद्धांत और कुछ टेक्निक के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, कि कैसे किसी भी कार्बनिक रसायन को प्राप्त किया जाता है, शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, या तो अलग अलग मिश्रण वाले कार्बनिक रसायन को कैसे अलग अलग किया जाता है, जो कि पढ़ेंगे हम लोग 12वीं यूनिट में। 13वीं में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है वैसे यौगिक, वैसे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों से मिलके बने हुए होते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे 13वां यूनिट में। और 14वीं यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो कि वातावरण से रिलेटेड है रसायन विज्ञान, उसके बारे में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारे पृथ्वी का तापमान कैसे जो है सो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा, ओजोन डिप्लेशन, कि पृथ्वी के ऊपर का जो परत है जिसको ओजोन बोलते हैं, जो कि सूरज के पराबैंगनी किरणों से हम लोग को बचाता है, वह क्यों धीरे धीरे जो है सो हट रहा है, क्यों फट रहा है वह लेयर, क्या रीज़न है। उसके बाद फिर इसमें और भी पढ़ना है प्रदूषण के बारे में, कि कौन कौन से कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, उससे क्या जो है सो दुष्प्रभाव क्या है हमारे पृथ्वी का, हम लोग का क्या दुष्प्रभाव है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह था आपका टोटल यूनिट्स जो कि पढ़ना हम लोग को क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फाइनल एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है,
तो चलिए जानते हैं कि 2019 से पहले, 2019 से पहले इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न था कुछ इस प्रकार से था। फाइनल एग्जामिनेशन होता था 100 नंबर का, जिसमें से आपका 70 नंबर का जो है सो होता था थ्योरेटिकल पेपर सब्जेक्टिव, जबकि 30 नंबर का होता था प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन 2019 से पहले यानी 2018 तक। लेकिन 2019 में एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ और अब 100 नंबर की जगह पर 50 नंबर का एग्जामिनेशन लिया जाने लगा 2019 में। और इसमें जो 2018 में जो सब्जेक्टिव पूछा जाता था, लेकिन 2019 में क्या किया, यह जो 50 नंबर का एग्जामिनेशन होगा इसमें 50 MCQ पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चार ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपको जो है सो सही करना रहेगा। यह था 2019 में एग्जामिनेशन के पैटर्न, और 2019 में से ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम को जो है सो हटा दिया गया। फिर 2020 में थोड़ा सा एग्जामिनेशन के पैटर्न में परिवर्तन देखा गया कुछ इस तरह से कि अब जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा वह टोटल होगा 40 नंबर का, यानी कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में, और 4400 रहेगा आपका एमसीक्यू, जो कि 2019 में एमसीक्यू था उसी तरह से। चार ऑप्शन रहेंगे, एक आपको सही करना है, और बाकी जो 10 नंबर होगा 40 और प्लस 10, 10 नंबर जो होगा वह होगा आपका कॉलेज पे डिपेंडेंट, जो कि दो भाग में बटा है 5 प्लस 5। अब दो भाग में किस तरह से बटा है कि पहला जो भाग है 5 नंबर वह इंटरनल एग्ज़ाम होगा, उस इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर 5 नंबर मिलेगा, यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों सही करना होगा तब 5 नंबर मिलेगा, और बाकी का 5 नंबर जो है सुइया मिलेगा आपका अटेंडेंस के आधार पर और कॉलेज के परफॉर्मेंस के आधार पर। तो 2020 से भी टोटल मार्क्स 50 का ही है, लेकिन 2020 से थोड़ा परिवर्तन किया गया कि पहले 2019 में क्या था कि टोटल 50 नंबर फाइनल एग्जामिनेशन में ही लिया जाएगा, जबकि अब जो है सो 2020 से फाइनल एग्जामिनेशन 40 मार्क्स का होगा और 10 नंबर कॉलेज पे डिपेंड करेगा। तो यह था आपका विस्तृत जानकारी एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करें ताकि हमको पता चल सके कि क्या दिक्कत है, और इसका जो दिक्कत है वह अगले वीडियो में इसका निवारण किया जा सके। तो धन्यवाद।